The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एथलीट्स फुट, एक ऐसे फंगल इन्फेक्शन के बारे में जो आपके पैरों से शुरू होता है। और ये एथलीट्स फुट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एथलीट्स जो कि एक साथ कभी स्विमिंग पूल के आसपास या कोई ऐसी जगह पे काम मेहनत मुशक्कत करते हैं, पसीना निकालते रहते हैं, तो उनके चांसेस ये बहुत कॉमन हो जाते हैं। एथलीट्स को तो होता ही है। इसे टीनिया पेडिस कहते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन आपके पैरों में हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, सबको होता है कभी ना कभी, किसी ना किसी किसी न किसी रूप में। किसी को थोड़े अलग जगह पे भी हो सकता है फंगल इन्फेक्शन, लेकिन ये बहुत कॉमन फंगल इन्फेक्शन है पैरों के बीच में, राइट। और आप अगर पसीना आपको ज़्यादा आता है, अगर आप टाइट फिटिंग शूज़ पहनते हैं, तब आपके चांसेस इसके ज़्यादा है। अगर ऐसा होता है तो आपको रैश आएगा वहाँ पे लाल कलर का, या फिर थोड़े से बाहर उभरी हुआ, इचिंग, बर्निंग, स्टिंगिंग होगा, और वो कंटेजियस होता है। सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे में फैल सकता है। अगर आप नंगे पैर हैं, आपके पैर में फंगस है, एथलीट्स फुट है, और आप नंगे पैर कहीं घूम रहे हैं, वहाँ पानी है, तो फिर वहाँ दूसरा भी आएगा तो वो दूसरे के पैर में भी लग जाएगा। ये प्रॉब्लम है एथलीट्स फुट में। किसी भी कंटेमिनेटेड फ्लोर पे, टॉवल्स पे, क्लोदिंग से ये फैल सकता है। आपके हाथ से खुजली करके दूसरी जगह पे टच करने से आपको दूसरी जगह पे हो सकता है एथलीट फुट, टीनिया पेडिस, टीनिया क्रूरिस, ऊपर नीचे एरिया में गलती से हाथ लगा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये, और ये एक फंगल इन्फेक्शन है, बिल्कुल जैसे रिंग वर्म होता है, जैसे जॉक कीच होता है। जी हाँ, रिंग वर्म इज ऑल्सो फंगल इन्फेक्शन। वी हैव अ डिफरेंट वीडियो ऑन देम, रिंग वर्म, जॉक कीच, उसको जाके देखिएगा। याद रखिए, ये भी उनके जैसा ही है। शुरुआती फेज में जल्दी ठीक करना चाहें तो इसको एक ओवर द काउंटर एंटी फंगल मेडिकेशन से आप ठीक कर, कोई भी बैकलेट सी, कैंडिडेट बी, कोई भी ओनाबेट बी और ये क्लोबेट सी, ऐसी कोई भी दवा से आप इसको ठीक कर सकते हैं टेक्निकली। लेकिन एक लेवल के बाद अगर बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आपकी हाइजीन पे सवाल उठता है। तो आपके अगर सिम्टम बार बार आ रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं, रैश बड़ा हो रहा है, फैल रहा है, पैर से लेके ऊपर तक आ रहा है, सॉक्स की एरिया तक, एड़ी तक आने लग गया है, तो भाई साहब कुछ तो गलती कर रहे हो आप, देन यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। या फिर कई बार सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखना होता है कि ये कहीं किसी प्रकार का एलर्जी तो नहीं है, एक्जिमा तो नहीं है। एक्जिमा में देर कैन बी, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये जो अल्सर्स होते हैं, जो इसके छाले होते हैं, कभी कभी एक्जिमा में गलती कर ली कि एक्जिमा मान लिया जाता है, तो एंटी एलर्जिक दवाइयां दे दी जाती है, सो उससे इफेक्ट नहीं आता। याद रखिए, इसमें इट्स अ फंगल इन्फेक्शन, एंटी फंगल दवाई खानी पड़ेगी। और इसके कारण, जैसे मैंने बताया, आप किसी ना किसी ऐसे कंटेजियस जगह पे गए थे, आपके पैरों में कहीं ना कहीं से लग गया है इस तरीके से फंगस, टॉवल्स, फ्लोर्स, शूज़, किसी के जूते चप्पल पहन लिए, उस चीज़ से। और किसको ज़्यादा चांसेस हैं इसमें? आदमियों को ज़्यादा चांस है, आदमी नंगे पैर ज़्यादा घूमते हैं, लेडीज़ ज़्यादा नहीं घूमती वैसे, फिर भी लेडीज़ के चांसेस हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड चांस है आपका, वो है अगर आप ऐसे किसी के क्लोदिंग और दूसरी चीज़ें करते हैं, और एक हाँ, अगर किसी की क्लोदिंग और ये चीज़ें आप शेयर करते हैं, शूज शेयर करते हैं, रग शेयर करते हैं, बेड लाइनिंग शेयर करते हैं, और उस पर्सन को फंगल इन्फेक्शन है, तो आपको भी हो जाएगा। सो अपने आप सबसे बड़ा पॉइंट है, पब्लिक एरिया में बेयर फुट, नंगे पैर ना चलें। अगर आप चल रहे हैं तो आप फैला भी सकते हो, आपको हो भी सकता है। कैसी जगह पे? लॉकर रूम, सोना, स्विमिंग पूल, कम्यूनल बाथ, शावर्स, ऐसी जगहों पर। सो एथलीट्स में प्रॉब्लम ये होता है, उनका कॉमन बाथरूम टाइप होता है, बहुत बड़ा सा वो लॉकर रूम होते हैं, तो वहाँ उनके चांसेस होते हैं नंगे पैर घूमने के और इस तरह से उनको हो जाने का। तो प्रॉब्लम क्या है? ये हो गया तो आप इधर उधर फैला दोगे, हैंड्स में हो जाएगा, नेल्स में हो जाएगा। नेल में अगर हो गया तो सालों साल रखे ख्याल, नेल इतने बड़े होते जाते हैं, फिर ऐसा मोटा सा नेल लेके आते हैं, सर ये क्या हो गया, पता नहीं, तो नेल खराब हो, नेल में प्रॉब्लम। नेल फंगस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, राइट। ग्रॉइन इच, जॉक इच इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट, कई बार कई लोगों काले काले पड़ जाते हैं सारा ऐसी तैसी। सो प्लीज़ प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट, कीप योर फीट ड्राई, अपने टोज के बीच का एरिया ड्राई रखिए, वहीं शुरू होता है।
अपने सॉक्स रेगुलरली बदलिए, शूज़ रेगुलरली धोइए, ऐसे शूज़ पहनिए जिसके अंदर हवा जाती हो, वेंटिलेटेड शूज़ होने चाहिए और ऑल्टरनेट पेयर्स होने चाहिए। ना कि एक ही शूज़ सालों साल रखे, ख्याल एक रोज़ पहन रहे, नहीं, एक आज एक कल सूखने दो, उसको धो के सूखने दो और अपने फीट को प्रोटेक्ट करो, नंगे पैर मत चलिए और रेगुलरली पैरों के अंदर सूखा रखो, पाउडर लगाओ, एंटी फंगल ज़्यादा, वो यार क्या नाम है, क्लोट्रिमाजोल डस्टिंग पाउडर, कैंटी डस्टिंग पाउडर जैसी चीज़ आप लगा सकते हैं अगर आप ऐसे किसी एरिया में रेगुलरली जाते हैं प्रिवेंशन के लिए। ट्रीटमेंट के लिए भी ये काम आता है कैंटी डस्टिंग पाउडर। सो देखने भर से पता चल जाता है, शेयर नहीं करना भाई किसी का शूज़, बताने की जरूरत ही नहीं, अब इतना बता दिया तो। सो अगर आप समझदार हैं तो आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। और जहाँ तक डायग्नोसिस की बात है तो डायग्नोसिस इसका कोई खास नहीं है, सिंपल देखने भर से समझ में आ जाता है कि ये एथलीट्स फुट है और इसके एथलीट्स फुट के लिए कोई स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंटी फंगल एक क्रीम या ऑइंटमेंट या पाउडर या स्प्रे, ये चीज़ें आपको यूज़ करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी खुद की बाहर दी हुई दवाई से काम नहीं होता, थोड़ी हाई पावर वाली मेडिकेशन फिर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसे केस में, और कई बार अगर ज़रूरत पड़े तब ही वो गोली एंटी फंगल मुंह से खाने वाली देनी पड़ जाती है, ज़्यादातर केस में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने ही करने हैं, अगर पैर बार बार गीला होगा, पसीना आएगा, तो फिर बार बार इसको कोई नहीं रोक सकता, आपको वापस होगा। और अगर आप अपने पैर का ख्याल नहीं रखेंगे जैसा हमने बताया, तो फिर आपको ये बार बार होगा। तो एथलीट फुट को अच्छे से समझ लीजिए, अगर गलती से हो गया है आपको तो उसको खुजली मत करिएगा भाई साहब, आपकी खुजली किसी और को भी होगी और आपके किसी और जगह पे भी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर पैर में लगा रहे हो क्रीम, सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ भी रैश है दूर दूर से लगाइए, दूर दूर घुमा घुमा के सेंटर लेकर आइए, बस एक बार जहाँ घुमा दिया वापस वहाँ ऐसे 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 क्रीम नहीं लगाना, ओके। देर इज़ अ वे ऑफ अप्लाइंग एंटी फंगल क्रीम टू दैट एरिया लाइक दिस, नीचे आगे बस और नहीं करना उसमें, राइट एक बार अंदर आ गए फिर वापस बाहर नहीं जाना है। क्रीम अच्छे से लगा ली, क्रीम के अलावा उसमें दिन में दो बार पाउडर भी लगना चाहिए, एंटी फंगल कैंडी डस्टिंग पाउडर। शूज़ किसी से शेयर करना नहीं, खुले शूज़ पहनने हैं और नंगे पैर घूमिए मत, ये बातें ध्यान रहेंगी तो आपका पैर ठीक हो जाएगा। तो अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो ऐसे केसेस में आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके बात कर सकते हैं। अगर नाखून में इन्फेक्शन हो चुका है तो नाखून में कोई क्रीम आपका बचाव नहीं कर सकती, आपको सिर्फ़ और सिर्फ गोली खानी पड़ेगी, एंटी फंगल गोलियाँ। एंटी फंगल गोली के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिले, वो आपको देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फंगस इन योर लेग्स, इन योर इन बिटवीन योर टोज, दिस इज कॉल्ड एथलीट्स फुट। अगर आपको पसंद आया, पसंद क्या आया, नॉलेज है, नॉलेज इज प्रिवेंशन, तो शेयर किया करो, लाइक किया करो, पसंद की बात थोड़ी है, आइसक्रीम थोड़ी बेच रहे और क्या, एंटरटेनमेंट नहीं है, नॉलेज है। सो प्लीज़ शेयर किया करो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।